जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे आज गंगा पुष्टि के रेलवे हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाएंगे और डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। और काफ़ी दिनों में मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप इतनी साफ़ सफाई, और आप देख रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात सीसी कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियरिटी में है, और ऐसे सीसी कैमरे शायद ही मैंने कहीं व्यवस्था देखी हो। हालांकि सामान्य चिकित्सालय गंगा पुष्टि के उसमें भी लग रहे हैं, लेकिन वो नकारा पड़े हुए हैं अगर कोई घटना हो जाती है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आपको नज़र आ रही है सीसी कैमरों में, और यहाँ का गार्डन भी साफ़ सफाई भी और शानदार है, और वो भी नज़ारा हम दिखाएंगे आपको। और पहले करते हैं डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब व्यवस्था आपने शानदार कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्थाएं बहुत पहले से ही मेंटेन हो रही हैं। हमने इस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन विकसित किया है। पिछले 2 साल में हमने मेहनत करके, वो भी हमने कंट्रीब्यूशन करके, सारे रेल कर्मचारी साथी, रेलवे हॉस्पिटल साथी, सभी ने इसमें भरपूर श्रमदान और आर्थिक दान देके इसको तैयार किया है। साथ में ही साफ सफाई में सारे रेल कर्मचारी तथा हमारे हॉस्पिटल का जो सफाई कर्मी तथा जो अन्य स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल अन्य स्टाफ हो, वो सारे ही सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखते हैं। कहीं भी कोई कचरा कहीं फैलने का काम नहीं है। इतना साफ सुथरा देखकर आने वाला मरीज भी गंदगी करने में सोचता है कि इतना साफ सुथरा मैं यहाँ कैसे गंदगी करूँ, तो वो भी उसी लेवल पे उसी के हिसाब से ढल जाता है। और वो भी मतलब हर चीज़ का ध्यान रखता है कि कहाँ गंदा फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। तो इसलिए साफ सफाई की व्यवस्थाओं में हॉस्पिटल के सफाई कर्मी तथा हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनका विशेष योगदान है, तथा रेल कर्मचारी साथी जो मरीज भर्ती या दवाई लेने आते हैं उनका भी रियल में बहुत अच्छा योगदान है इसकी सफाई को व्यवस्थित करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर सामान्य व्यक्ति भी, मतलब क्या है, आमजन, रेलवे के कर्मचारी के अलावा आमजन भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं क्या? नॉर्मली हमारा रेलवे हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों के लिए ही है, परंतु किसी आपात स्थिति, जिसको किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी ऐसी आपात स्थिति में हम प्राथमिक उपचार देने का काम करते हैं। बाकी नॉर्मली ये रेल कर्मचारी और उनके लाभार्थी रिटायर कर्मचारी हैं जो हमारे रेल से पंजीकृत हैं, मैं मुख्यतः उन्हीं का इलाज होता है, परंतु हम इमरजेंसी में नॉन रेलवे को भी प्राथमिक उपचार देने का काम करते हैं। लगभग कितने बेड का ये हॉस्पिटल? हमारा हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल है। हमारा प्रतिदिन का आउटडोर यहाँ 200 से 225 के आसपास रहता है। ये कहाँ कहाँ से आते हैं मरीज? हमारे गंगापुर सिटी के जुरिडिक्शन के तो मरीज आते ही हैं, साथ में भरतपुर, बयाना, हिंडोन, महावीर जी और तुगलकाबाद, TKD से भी यहाँ आते हैं, जिनका मेडिकल भी यहाँ पे होता है। इधर इस साइड अगर कोटा साइड में जाएंगे तो माधोपुर, मलारना, निमोदा, यहाँ तक के सारे मरीज, क्योंकि सब डिविजनल हॉस्पिटल कोटा के बाद सेकेंड बड़ा हॉस्पिटल हमारा ही है, तो यहाँ पे सारे लोग इलाज लेने के लिए आते हैं। भर्ती की सुविधा है, जाँचों की सुविधा है और अब सब उनको, कौन कौन सी सुविधाएं हैं यहाँ पे, आप विस्तार से हाँ, बताएंगे? हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें लेबोरेटरी की सुविधाएं हैं, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC जो कार्ड टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री आउटसोर्स है, हमारे सोनोग्राफी भी आउटसोर्स कर रखी है हमने, सोनोग्राफी होती है, एक्सरे हमारे खुद के अंदर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, और बाकी रेफरल सुविधाएं हमारा टाई अप हॉस्पिटल रिया हॉस्पिटल है, अति आवश्यकता होने पर, मरीज गंभीर होने पर वहाँ भी सारे स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हैं, जहाँ पैनल है हॉस्पिटल हमारा। और आपको दिखाना चाहेंगे गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन का गार्डन भी शानदार मेंटेन कर रखा है डॉक्टर साहब ने। आइए चलते हैं। और सबसे बड़ी बात सीसी कैमरे, बहुत ही शानदार व्यवस्था है सीसी कैमरे की यहाँ पर, और सभी कैमरे का रिजल्ट भी बहुत काफ़ी क्लियरिटी में है। डॉक्टर साहब के साथ लोग हमारी क्या थोड़ी फोटो की वैल्यू बढ़ जाए। हाँ यार वाला का फोटो आ रहा है इधर से, रास्ता इधर से एक अच्छी आ जा। देख रहे हैं दोस्तों गंगा पुष्टि का रेलवे हॉस्पिटल है, और कितनी शानदार गार्डन को मेंटेन कर रखा है यहाँ पर। बढ़िया रहता है
आधी सी बीमारी तो वैसे ही चली जाए, यदि कोई मरीज आता है तो साफ सफाई देखकर, गार्डन में स्वच्छता देखकर, आप देख रहे हैं। गंगा पुष्टी का रेलवे हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, जिसमें गार्डन को बहुत शानदार बनाया गया है और रेलवे कर्मचारी और अधिकारी वो और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? इस गार्डन को बनाने में रेलवे हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं, पूरे रेल कर्मचारी शामिल हैं। इसमें रेलवे लोबी गार्ड, ड्राइवर, अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने श्रमदान के साथ आर्थिक दान कॉन्ट्रीब्यूशन करके इस गार्डन को विकसित किया है, जिसमें अभी इसको मेंटेन करने का हमारे रेल कर्मचारी हॉस्पिटल के साथ ही कर रहे हैं। इसमें मरीजों के लिए जब शाम का टाइम है, जब फ्री होते हैं तो यहाँ आके बैठते हैं, नाश्ता खाना यहाँ खाते हैं और उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा है। मरीज़ अंदर घुसता है तो आधा ठीक इसको देख के ही हो जाता है, उनको लगता है कि इतना साफ़ सुथरा है तो वो मतलब आधी चीज़ें यहीं गंदगी मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ मिलती है वो चीज़ें। ये सरकारी हॉस्पिटल एक प्राइवेट जैसा मतलब सेटअप तैयार हो रखा है। देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी का रेलवे हॉस्पिटल, शानदार गार्डन और शानदार व्यवस्था यहाँ की और साफ सफाई में नंबर वन हॉस्पिटल। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये हरा भरा है गुलशन, तो फूल खिलते ही रहेंगे और रहेंगे हमारे युवा साथी तो ब्लड देते ही रहेंगे। वाँ।